की और आप देख रहे हैं अट प्रकाश जी। इस वक्त हम खड़े हैं पंचकुला के मनसा देवी मंदिर में। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, आज से श्राद्ध शुरू हो गए हैं और इन दिन अपने पूर्वजों को याद किया जाता है और उनको पूजा जाता है। इसका एक अलग ही महत्व होता है। आइए इस वक्त हम बात करेंगे पंडित देशराज से, जानेंगे इसकी पूजन विधि और तिथि के बारे में। सर, जैसे कि अब श्राद्ध शुरू हो गए हैं तो इसकी पूजन विधि अलग होती है, किस प्रकार से इसकी पूजन विधि करनी चाहिए? तो आज 20 सितंबर आज पूर्णिमा का दिन है और सोमवासी का मिला जुला दिन कहा गया है। इसमें शुभ कार्य भी किया जा सकता है और आज से जो प्राणी पूर्णिमा के दिन स्वर्ग गति को प्राप्त हुए हैं उनका आज श्राद्ध किया जाता है। और क्योंकि गए हुए प्राणी के लिए, उनके ध्यान के लिए, उनका स्मरण करने के लिए हमारे पास यहाँ एक वर्ष में समय आता है, दिन आता है और वह हमारे पितर जिनके निमित्त हम कुछ भी अन्नदान या फलदान और जो तर्पण के लिए जिसके द्वारा तर्पण किया जाता है और दूध लस्सी और जौ तिल और हल्दी सफ़ेद व पीले फूल से पितृ कार्य किया जाए, क्योंकि पितरों के लिए यह वस्तुएं जो हैं भोजन के लिए रखी गई है। श्राद्ध शुरू होने के बाद सर, इस बार कौन कौन सी तिथि पड़ेगी इसके बारे में बताइए। आज से पूर्णमासी का श्राद्ध 20 तारीख से और कल से प्रतिपदा एकम का श्राद्ध है 30 तारीख से प्रारंभ हो रहा है और द्वितीय श्राद्ध है वह द्वितीय बुधवार को और तृतीय शुक्रवार को, चतुर्था जो है शनिवार को, पंचम रविवार को और षष्ठा जो है सोमवार को और सप्तमा मंगलवार को, अष्टमा बुधवार को, नौमा जो है वह बृहस्पतिवार को, दसवां जो है शुक्रवार को और एकादशी का श्राद्ध भी है वह शनिवार को, द्वादशी का श्राद्ध रविवार को, त्रयोदशी का श्राद्ध भी है चंद्रवार सोमवार को और चतुर्दशी का श्राद्ध भी है वह मंगलवार व अमावस्या का श्राद्ध है बुधवार को। विशेष करके इस बार तृतीय तिथि जो है वह 2 दिन आ रही है, द्वितीय श्राद्ध जो है वह बुधवार को है, क्योंकि बृहस्पतिवार को जो है वह द्वितीय जो है नामात्र 1 घड़ी 38 पल है, क्योंकि उसमें पितृपक्ष जो है हमेशा 10-11 बजे के उपरांत करना चाहिए, क्योंकि इसका समय है, इसलिए उस समय वह तिथि नहीं है, इसलिए वह द्वितीय जो है बुधवार को ही है, ना कि बृहस्पतिवार को। और उसके उपरांत षष्ठी का श्राद्ध अपने पुण्य तिथि के ऊपर है और जिसके अंदर षष्ठी का श्राद्ध जो है उस दिन षष्ठी जो है 26 को भी है लेकिन 27 को जो है वह उदय काल में पूर्ण अर्ध अपरण व्यापनी स्थिति होने के अनुसार वह घड़ी 60 घड़ी जो है यानी कि पूरा दिन है। जैसा कि आपने पंडित जी से सुना ही होगा कि इन जो हमारे पूर्वज होते हैं उनकी मृत्यु हो गई होती है जिसके बाद में वो दूसरा जन्म लेते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, इस कारण हमें वो किसी पक्षी या जानवरों के रूप में जन्म लेते हैं जिस कारण हमें दान करना चाहिए और इसका एक अपने आप में अलग ही महत्व है। ऐसे ही कुछ अहम खबरों को जानने के लिए बने रहिए अट प्रकाश टीवी पर। पंचकुला से अवनी चौधरी। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अट प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।